हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया हुआ ये चैप्टर, इसको कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमने लास्ट वीडियो में फर्स्ट फाइव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसके कंप्लीट कर लिए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 to 10 आपके सामने है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस 0.4, 0.0, 3.0 इज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन थ्री पॉइंट्स को लोकेट करेंगे, फिर ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो इन थ्री पॉइंट्स को लोकेट कैसे करें, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे सो दैट हमें ये बात क्लियर हो जाए कि ये पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकते हैं। सो आप देख पा रहे हो कि हमने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस प्लॉट कर दी। अब 0.0 पॉइंट जो है दैट इज ओरिजन, 3.0 पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस एंड 0.4 पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस। तो आप सभी बच्चों को ये तीनों पॉइंट्स इजीली प्लॉट करने आते हैं आई नो, लेकिन अब आपने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर फाइंड करने का बड़ा सिंपल सा मीनिंग है कि अगर हम 0.4 पॉइंट को ए नेम दे दें, ओरिजन को ओ एंड 3.0 को हम बी, ओके। तो अब आपने पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर का मीनिंग होता है सम ऑफ थ्री साइड्स, लेकिन सबसे पहले हमें ए बी फाइंड करनी होगी। ए बी के ऊपर जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, सो बाय अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला ऑन ए बी, सो जो ए बी की लेंथ आएगी दैट विल बी 5 units। सो अगर हम ए बी की लेंथ 5 units है, ओ बी 3 unit है और ओ ए 4 unit है, और नाउ वी हैव टू फाइंड पेरीमीटर, सो दैट विल बी डायरेक्टली द सम ऑफ 3, 4 and 5। सो जब आप 3, 4 and 5 का सम करोगे तो आपका जो आंसर आ गया दैट इज 12 units। तो अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखोगे तो बी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर आ गया, दैट इज 12 units। सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस 0.4, 0.0, 3.0 इज 12 units। सो नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखते हैं क्या बता रहे हैं उसके अंदर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। द एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपने ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है जिसमें आपको तीन वर्टेक्स दिए हुए हैं। ए वर्टेक्स है आपका 3.0, बी वर्टेक्स है आपका 7.0 और सी वर्टेक्स है आपका 8.4। एंड वी विल फाइंड एरिया। एरिया का फॉर्मूला आप सभी बच्चों को आता है। एरिया जब हम फाइंड करते हैं तो हमें सबसे आगे लगाना होता है हाफ, फिर हम लिखते हैं x1 y2 - y3, फिर हम लिखते हैं x2, फिर हम लिखते हैं y3 - y1, फिर हम लिखते हैं x3 y1 - y2। तो आपको ये एरिया का फॉर्मूला लगाना है। x1 y1 आपको पता है, x2 y2 आपको पता है, x3 y3 आपको पता है। तो सिंपल आप वैल्यूज पुट करो यहाँ पे। जो आपका x1 है वो 3 है, जो आपका y2 है वो 0 - 4, x2 की वैल्यू आपकी 7 है, y3 आपका है 4, y1 आपका है 0, x3 की वैल्यू 8 है, y1 आपका 0 है और y2 भी आपका 0 है। आपने ये वैल्यूज पुट करनी है। 4 3 12, तो 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया -12 आ गया। 7 4 20 28, तो प्लस का 28 प्लस 0, ओके। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 28 - 12 16/2। 16 को 2 से डिवाइड करोगी, योर आंसर विल बी 8 units। तो आप देख सकते हो 8 unit आपका आंसर आ गया। तो 7th क्वेश्चन का जो सी पार्ट है 8 unit, वो आपका फाइनल आंसर है, सही आंसर है। तो 7th क्वेश्चन में सिंपल आपने एरिया का फॉर्मूला लगाया तो आपका आंसर आ गया, ऑप्शन इज सी। सो नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। द पॉइंट्स, आपको तीन पॉइंट्स दे दिए, तो आपने बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो किस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। ए पॉइंट आपका -4.0, बी पॉइंट आपका 4.0, सी पॉइंट आपका 0.3। सो आप सिंपली इसके ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो पहले आप ए बी फाइंड करो। जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ए बी फाइंड करोगे तो मैं डायरेक्टली आपके सामने लिख देता हूँ ए बी। जब आप फाइंड करोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से तो वो कितना आएगा, दैट विल बी 8 यूनिट। ठीक है, क्योंकि 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 का स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी आपका 8 यूनिट आ जाएगा। उसके बाद आप क्या फाइंड करोगे, बी सी। सो जब आप बी सी फाइंड करोगे तो बी सी आपका कितना आएगा बच्चों, जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे दैट विल बी 5 यूनिट्स। उसके बाद आप फाइंड करोगे बच्चों ए सी। जब आप ए सी फाइंड करोगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के दैट इज ऑल्सो 5 यूनिट्स। सो हेयर यू कैन चेक बी सी इज इक्वल टू ए सी। सो ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हो जाएं तो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है। तो आपका जो सही ऑप्शन है दैट इज बी ऑप्शन। तो 8th क्वेश्चन जो आपका है उसका सही आंसर है बी ऑप्शन। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट 7-6, सेकेंड पॉइंट 3-4, रेशो आपको दी हुई है 1:2। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं x, y। तो आपने x एंड y पॉइंट फाइंड करने, तो आपको फॉर्मूला ऑलरेडी आता है कि x का जो फॉर्मूला होता है इस डी होता है m(x2+n)x1/m+n। ऐसी जो y का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आप सब बच्चों को पता है, दैट इज my2+ny1/m+n। तो ये आपने फॉर्मूलाज लगानी है, फॉर्मूला लगा के आपने x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। जो आपकी फॉर्मूला लगा के x की वैल्यू आएगी दैट विल बी 17/3, और जब y की वैल्यू आएगी दैट विल बी -8/3। तो आपने ये देखना है कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं वो किस क्वाड्रेंट में होंगे। x पॉजिटिव y नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, दैट इज़ इन 4th क्वाड्रेंट। तो जो 9th क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन है, 4th क्वाड्रेंट। नाउ वी विल मूव ऑन लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसको हम ध्यान से देखते हैं, 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट। तो 10th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं। ए पॉइंट आपको दिया हुआ है -2-5, बी पॉइंट जो आपको दिया हुआ है दैट इज 2.5, बी पॉइंट की वैल्यू आपकी 2.5 है, ए पॉइंट की वैल्यू -2-5 है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, देखो जब आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे ए बी, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -2-5, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2.5, तो ये आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, ए के कोऑर्डिनेट लिख दिए, बी के कोऑर्डिनेट लिख दिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट भी कर रहा है और इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है। तो आपने मिड पॉइंट फार्मूला लगा के एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड कर देनी है। और अगर आप ध्यान से देखोगे एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम, x1 + x2 / 2, तो x1 आपका -2 है, x2 आपका 2 है, इनका सम करोगे 0/2 0। ऐसे जब आप y1 + y2 / 2 करोगे तो इसका भी जब आप सम करके 2 से डिवाइड करोगे दैट इज़ ऑल्सो 0। तो आपका जो x, y पॉइंट है वो आ गया बच्चों 0.0। तो हम सही ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, ए ऑप्शन, दैट इज़ द राइट ऑप्शन। तो 10th क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो ए है। तो आज हमने 10th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया आपका चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।